हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप सबको कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इस सिरप को हमें कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करने का सही डोज क्या है, ये कौन कौन सी खांसी को ठीक करता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में कि ये सिरप किस कंपनी का है। दोस्तों, ये सिरप फेजर कंपनी का है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। दोस्तों, इसमें बात करते हैं कौन कौन से फार्मूले होते हैं। दोस्तों, इसमें डेक्सोमेथारफेन हाइड्रोब्रोमाइड होता है और दोस्तों इसमें क्लोरोफेनिनार्मिन माइलेट भी होता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी सिरप होती है जो कि 50 ml की होती है। दोस्तों, इसके प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें 76 रुपये MRP है जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। आप दोस्तों इसको किसी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये सिरप बहुत अच्छी होती है जो कि खांसी में सबसे ज़्यादा कार्य करता है। दोस्तों, बात करते हैं इस सिरप का यूज़ हमें कौन कौन सी खांसी में करना चाहिए। दोस्तों, ये सिरप सूखी खांसी के लिए बहुत अच्छी सिरप होती है जो कि ड्राई सिरप है। दोस्तों, अगर ये कोल्ड सिरप भी मानी जाती है। दोस्तों, इसमें लिखा रहता है कि ये कौन कौन सी सिरप है। दोस्तों, आप इसको सूखी खांसी में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये सूखी खांसी के लिए सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट सिरप होती है। दोस्तों, बात करते हैं इसका डोज क्या है। दोस्तों, इसको 10 ईयर्स के ऊपर 10-10 ml यानी कि जो इसमें ये ढक्कन कसा रहता है, आप इस ढक्कन से भर के दो दो ढक्कन तीनों टाइम दे सकते हैं। ये सिरप को तीनों टाइम देने के बाद दोस्तों आपको 2 दिन में ही खांसी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर दोस्तों 10 साल के नीचे है और 5 साल के बीच में है, दोस्तों आपको एक एक ढक्कन तीनों टाइम देना रहता है। दोस्तों, आप इसको इसी प्रकार डोज से दीजिए तो ये बहुत अच्छा कार्य करेगा और आपकी खांसी को जल्द ही ठीक कर देगा। दोस्तों, बात करते हैं इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस सिरप का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। वैसे दोस्तों, इस सिरप को अगर दवा के रूप में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत लोग दोस्तों इसको नशे के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि यह अल्कोहल फ्री सिरप होती है और कोडीन फ्री भी सिरप होती है, जिससे ना ही आपको किसी प्रकार का नशा होगा और ना ही आपको नींद आएगी। तो दोस्तों, आप इस सिरप का एक बार यूज़ ज़रूर कीजिए और आप इस अपने डॉक्टर के बताए नियमानुसार यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।